बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एन टेस्ट स्पॉन्सर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने पेपर शुरू किया था केपी पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर एसडीओ सिविल बीपीएस 17 का। ये पेपर इरिगेशन एंड सीएनडब्ल्यू डिपार्टमेंट में 24/6/2023 को हो चुका है। इसका पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, इस वक्त आखिरी पार्ट नंबर 2 अपलोड कर लेते हैं। पेज नंबर सेकंड थोड़ा सा इसमें शुरू के 3-4 क्वेश्चन थोड़े से डिम है, लेकिन मैं पढ़ूंगा तो आप सुनते जाएं। क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हाइड्रोलिक रैम इज अ डिवाइस, इट इज यूज फॉर स्टोरिंग वाटर विदाउट एन इलेक्ट्रिक मोटर। इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एन आइडियल फ्लोइड इज, एन आइडियल फ्लोइड इज फ्रैक्शनलेस एंड इनकंप्रेसिबल। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 23 देखे, फॉर अ मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर चैनल द विड्थ ऑफ द चैनल मस्ट बी, द विड्थ ऑफ द चैनल मस्ट बी व्हाट, मस्ट बी ट्वाइस द डेप्थ ऑफ द फ्लो। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, ह्यूमिडिटी रेफर्स टू इट refers to moisture content of the air। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 25, द फॉलोइंग इज द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवेज, द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीवेज। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 26 देखे, द सॉइल विच कॉन्टेन फाइनेस्ट ग्रेन पार्टिकल इज क्ले, दैट इज क्ले। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंड इज अप्रॉक्सीमेटली 2.6। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। एंड क्वेश्चन नंबर 28, ओवर कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल इज कॉज्ड ड्यू टू, ओवर कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल इज कॉज्ड ड्यू टू, इट इज ड्यू टू, यहां जो जितनी भी दी गई ऑल ऑफ दीज इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 29, द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ केमिकल इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट इज दैट ऑफ, इज दैट ऑफ लाइम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 देखे, द इंप्योरिटी ऑफ मिक्सिंग वाटर विच अफेक्ट द सीटिंग टाइम एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज, सोडियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है, सी है सॉरी। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, वाटर सीमेंट रेशियो इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट है, तो लिहाजा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो गया, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन देखिए, बुल्किंग ऑफ सैंड इसमें भी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है, स्वेलिंग ऑफ सैंड व्हेन वाटर। ऑप्शन डी इस करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, द एडवांटेज ऑफ अ कंक्रीट फाइल ओवर अ टिम्बर फाइल इज, तो इसमें भी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज है। 34 नंबर क्वेश्चन, अ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट मेंबर पोजिसिस
internal stresses. Option D is the correct option. Hai. Question number 36. Dekhe, 36. 35, sorry. Ye 35. So, question number 35. Dekhe. Side face reinforcement shall be provided in the beam when depth of the web in a beam exceed. When it exceed 75 centimeter. Option B is the correct option. Question number 36 देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन को. Rule steel angle section are classified as. It is classified as. इसमें भी correct option option D है. All of these. 37 नंबर क्वेश्चन देखे with a percentage increase of carbon in steel decreases its ductility. Option D is the correct option. 38 number question dekhe. Meandering of a river generally occurs in. It is generally occurs in trough stage. Option D is the correct option. 39 number question dekhe. The pavement width of a road depends upon. It depends upon number of lanes. Option C is the correct option. Question number 40. A raising of outer edge of a road with respect to inner edge is known as. It is known as what? All of these. Is my correct option. All of these. Or question number 41. Dekhe. A rail joint supported on a single sleeper is known as. It is known as what? Supported rail joint. Option C is the correct option. Or question number 42. Question number 42. Dekhe. The maximum length and permanent strength of a runway is that of. Is that of A1. Option A is my correct option. Hai. Question number 43. Dekhe. 43. Residential buildings are treated as. Residential buildings are treated as light constructions. Option A. 44. Stress may be defined as. Stress may be defined as. Option C देखे, force per unit area. और आखिरी question देखे, 45 number. The main factor to be considered while preparing a detailed estimate is. इसमें भी correct option, option D है, all of these. तो ये हो गया दोस्तों, paper complete हो गया. Like करना, share करना मत भूलिएगा. Thank you for watching.